160 रुपए टिकट लिया आपका? 160 रुपए का टिकट लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंसान की जिंदगी के दो अहम पहलू होते हैं, जिसमें से एक होता है खुशी और दूसरा होता है गम। और किस वक्त कोई खुशी किसी गम में बदल जाए और कोई गम किसी खुशी में बदल जाए, इसका कुछ पता नहीं होता। लेकिन बस दुआ यही होती है कि जो गम में है उनका जल्द गम दूर हो जाए, वो जल्द खुशियाँ देखें, और जो लोग खुशी में है वो कभी गम ना देखें। तो बस यही दुआ रहती है इंसान की। लेकिन ये दोनों पहलू ऐसे हैं जिनसे इंसान की कभी जान नहीं छूटने वाली, और छूटेगी तो सिर्फ उस वक्त जब इंसान इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा आज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो कुछ इसी से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 5 जुलाई 2021 है और आज के दिन कराची और मीरपुर खास के दरमियान चलने वाली शाह लतीफ एक्सप्रेस को दोबारा से बहाल होना था। और जो KCR की वन अप ट्रेन जो सुबह कराची से धाबे जी तक जाती है, उसे ही धाबे जी से मीरपुर खास तक शाह लतीफ बनकर जाना था। तो आज जब ये ट्रेन पहली बार चली, यानी कि 5 जुलाई 2021 को ये ट्रेन जब पहली बार चली मीरपुर खास के लिए, तो इसमें मैंने भी सफर किया कराची से लेकर मीरपुर खास तक, जिसका कंप्लीट ब्लॉग इंशाल्लाह कल यानी कि 6 जुलाई 2021 या फिर 7 जुलाई 2021 को मेरे चैनल पर आ जाएगा, तो देखना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों इस सफर में मीरपुर खास के रास्ते में आने वाले दो शहर यानी कि टंडो जाम और टंडो आला यार की आवाम इस ट्रेन के चलने से बहुत ज्यादा ही खुश दिखाई दिए, जिसका अंदाजा आप लोग इस छोटे से क्लिप में लगा सकते हैं। और इन लोगों का खुश होना भी जायज है क्योंकि तकरीबन 1 से 1.5 साल बाद शाह लतीफ एक्सप्रेस बहाल हुई है और अब यहाँ की आवाम भी एक अच्छा, सस्ता और मियारी सफर कर सकेंगे। लेकिन इसी मौके पर कराची और धाबे जी के दरमियान सफर करने वाले यानी कि KCR कराची सर्कुलर रेलवे के पैसेंजर्स काफी उदास दिखाई दिए, और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि आज 5 जुलाई 2021 को इन तमाम पैसेंजर से जो कराची और धाबे जी के दरमियान सफर करते हैं, इनसे KCR का किराया आज 30 रुपए नहीं वसूल किया गया, बल्कि आज इनसे कितना किराया वसूल किया गया ये अब आप एक मुसाफिर की खुद अपनी जबानी सुनिए। तो ये भाई हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी भाई, यार हम रोजाना ऐसी लोकल में सफर करते थे, कैंट से चढ़ता था धाबे जी आता था। रोजाना कैंट से धाबे जी? हाँ, तो रोजाना कैंट से धाबे जी आता था, तो उस टाइम पे 30 रुपए ये टिकट लेते थे। अच्छा। आज इन लोगों ने अचानक से कोई भी बताया नहीं तो 160 रुपए जो इन लोगों ने चार्जेस बना लिए। 160 रुपए टिकट लिया आपका? 160 रुपए का टिकट लिया था, तो मैंने कुछ बात की उस पर इन लोगों ने मुझे थोड़ा उत्तर दिया 120 का ही। तो अब 120 का टिकट दिया, वैसे 160 का था। सो भी बहस करने के बाद इन लोगों ने, आप कहाँ से अड़े? कराची कैंट से। कराची कैंट से जाना है, धाबे जी तक ही आना है। धाबे जी तक आया। वैसे आप रोज 30 रुपए किराया देते थे, लेकिन आज आपसे 160 रुपए मांगा गया है, यानी कि KCR खत्म हो चुकी है, अब ये शाह लतीफ बन चुकी है। मतलब आप ही कहना चाह रहे हो करने से पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, इस तरह कितने लोगों को इन्होंने ये किया है? ये तो समझो लूटने वाली बात हुई। अचानक अगर कोई गरीब के जेब में होंगे 50 रुपए तो वो क्या करेगा? तो दोस्तों अगर आप लोगों ने गौर नहीं किया हो तो आप लोग पीछे इस वीडियो में जाकर दोबारा देख सकते हैं कि टिकट पर कराची से धाबे जी तक क्या प्राइस लिखे हुए हैं, और किराए के साथ साथ पेनल्टी भी लगाई गई है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि कराची सर्कुलर रेलवे का टिकट ट्रेन के अंदर से ही मिलता है, तो इसमें पेनल्टी किस बात की? जी दोस्तों, तो देखा आपने कि आज यानी कि 5 जुलाई 2021 को KCR में सफर करने वाले मुसाफिरों के साथ क्या हुआ। तो आज यानी कि 5 जुलाई को तो आज यानी कि 5 जुलाई 2021 को तो इन तमाम मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल किया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले वक्तों में भी क्या इन मुसाफिरों से यही किराया वसूल किया जाएगा, और अगर यही किराया वसूल किया जाएगा तो यकीन माने ये KCR नहीं रहेगी, बल्कि ये सिर्फ शाह लतीफ एक्सप्रेस ही बनकर रह जाएगी। तो दोस्तों इस बात को मैंने आप लोगों तक पहुंचाना लाजमी समझा, इसीलिए ये वीडियो मैंने फौरन अपलोड की। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आप लोगों से बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।